नमस्कार दोस्तों, आर्ट अपडेटिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कल आप लोग के लिए कैंडलस्टिक की वीडियो को नहीं डाल पाया, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। तो आज मैं ये वीडियो बना के आप लोग के लिए पोस्ट कर रहा हूं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। देखिए, कैंडलस्टिक होता है ना, जो प्राइस होता है वो किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से प्राइस देखने के साथ में ही हमें डर लगता है, किस तरह से हमें प्राइस देखने के साथ हमें लालच आता है, तो वो सब सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग को समझ में आएंगी। तो बहुत सारा जो आपकी साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी का कुछ पार्ट इसमें ऑलरेडी आपके कवर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। ये मत सोचिए कि मैंने कैंडलस्टिक की बहुत सारी वीडियो देखी है, देखी होगी आपने। इस वीडियो में देखेंगे कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले मैंने कैंडलस्टिक की वीडियो ऑलरेडी बना के डाली हुई है दूसरे वाले चैनल पे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देखिए, पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग, तो नहीं मैं बोलूँगा 90% लोग पहले इक्विटी में ट्रेडिंग किया करते थे। अब यहाँ पे 70-60% लोग यहाँ पे इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी या निफ्टी में आके यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको 2-3 साल बाद रिव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो वो सारे जो सुधार थे, वो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को बताऊँगा कि मैंने अपने कैंडलस्टिक में क्या क्या सुधार किए हैं पहले में और अब में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी। और इसी चीज़ों को जब हम चार्ट में इंप्लीमेंट करना सीखते हैं ना, तब के हमारा पैसा बनता है। देखिए, एक चीज तो आप समझ लीजिएगा, कैंडलस्टिक सबसे कम स्टॉप लॉस के साथ में सबसे पहले और सबसे ज्यादा रिटर्न आपको देगी। ये चीजों को ध्यान रखिए। कोई भी इंडिकेटर आप फॉलो करते हो, कुछ भी फॉलो करेंगे, लेकिन बॉटम के आसपास आपको कैंडलस्टिक ही ट्रेड देगी। और कैंडलस्टिक का जो स्टॉप लॉस होता है वो सबसे छोटा होता है, और उसका रिटर्न कम से कम 3-4 टाइम होता है उस कैंडलस्टिक का। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन बसरते तब जब आप कम से कम एक कैंडलस्टिक पे 40-50-60 ट्रेड आप लोगे, बैठोगे, इंतजार करोगे। कई कई दिन ऐसा निकलेगा कि आप जो स्टॉक लगा के बैठे हो उसमें कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बना ही नहीं, तो वो धैर्य भी आपको रखना पड़ेगा। आप ये समझोगे कि हर दिन सब कुछ हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जिस दिन कुछ होगा वो मुझे देके जाए, तब आप यहाँ पे ट्रेडर बनोगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। अब कैंडलस्टिक, जैसा कि कैंडलस्टिक के बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिए। साइकोलॉजी किस तरह से हमारी इम्पैक्ट करता है, जो प्राइस चलता है ना, वो हमारी साइकोलॉजी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, वो पहले चीजों को समझिए, फिर मैं आप लोग को यहां पे आगे की चीजें बताता हूं। वीडियो को भले मैं वीडियो बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं, मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को आप देख के सीख सकते हो और अगले दिन जाके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो लाइव मार्केट में, तो आपको चीजें समझ में आएंगे। सिर्फ मेरी वीडियो देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे छोटे लॉसेस लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने पड़ेंगे, तब आप जाके चीजों को सीखते हो। अब मान लीजिए मैं किसान हूँ और मैंने आलू की खेती की, और बहुत अच्छा आलू, हमारी पैदावार जो हुई आलू की वो बहुत अच्छी पैदावार हुई है। अब इसको ले जाके मुझे मंडी में सेल करना है, ठीक है, आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई, मुझे इसे ले जाके मंडी में सेल करना है। और मैं मंडी में जाता हूँ, जो पहले ज़माने की बात है, तो मान लीजिए आज से 40-50-60 साल पहले तो यहाँ पे ट्रैक्टर या ट्रक तो हुए नहीं करते थे, तो बैलगाड़ियों में ले लेके धीरे धीरे हम जाते थे, और 2-3 दिन 4 दिन में, मतलब हमारे जो पूर्वज होते थे वो लोग मंडी में पहुँचे, मान लीजिए यहाँ पे। अब ये मंडी में हमने अपने सामान को अपनी गाड़ियों में भर के रखा हुआ है, यहाँ पर हमने खड़ा कर दिया, और हमें एक प्राइस दिखा हमें, मान लीजिए कि 35 की आलू का प्राइस जो है। अब ये मत बोलना कि यार 30-40 साल पहले आलू का प्राइस 35 रुपीज़ होता था, कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो समझो, है थिंकिंग को समझो, ना कि यहाँ पे कमेंट आके मत कर देना। कुछ लोग आके कमेंट कर देंगे कि उस ज़माने में कौन सा तुमने देखा था 35 रुपीज़ आलू चलता था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मंडी में, बहुत सारे लोग आए हुए हैं हमारे जैसे, आप आए होंगे, अगला आया होगा, दूसरा आया होगा, तीसरा आया होगा, जैसे स्टॉक मार्केट में सब लोग आते हैं, उसी तरीके से समझ लो यहाँ पे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने अपने आलू लेके आए हुए हैं, इसे सेल करना है। तो मंडी में उस समय एक आलू का प्राइस जो दिख रहा है ना, वो प्राइस दिख रहा है 35, यानी 35 रुपीज़ पे आलू का प्राइस, मंडी जो उस दिन लास्ट जो बोली लगी वो 35 रुपीज़ पे क्लोज हो गया मार्केट। अब हम लोग रात में पहुंचे, तो रात में हमें रुकना है, अब अगले दिन मार्केट खुलेगा तब तो हम इसको सौदा करेंगे, अपना 35 में आता है। तो एक ब्रोकर हमारे पास में आया, और ब्रोकर आके हमें बोल रहा कि यार ये 35 रुपीज़ का क्लोज है, आप एक काम करो 32 रुपीज़ पे मुझे दे दो, मैं ये सारा आलू आपका ले लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा यार 32 रुपीज़ पे क्यों लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो 35 दिखा रहा है। अब देखना किस तरह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और किस तरह से हमारी साइकोलॉजी वर्क करती है, वो समझना जरूरी है। जब आप प्राइस देखते हो ना, चार्ट पे प्राइस देखते हो ना, तो किस तरह से आपको डर लगता है, किस तरह से आपको लालच आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाऊँगा। और चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए, लेकिन बस एक काम है कि वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए झिंगा लाला, जरा झिंगा लाला कमेंट कीजिए, जितने लोग कमेंट करना चाहें जरा झिंगा लाला कमेंट कीजिए, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग
के लिए लेके आता हूँ, चार्ट पैटर्न की सारी वीडियो लेके आऊँगा, प्राइस एक्शन की वीडियो लेके आऊँगा, धीरे धीरे चीज़ों को जितनी जल्दी जल्दी आप वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है वीक में दो की जगह मैं तीन वीडियो डालूँ, चार वीडियो डालूँ, हो सकता है कि डेली एक वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट कर दूँ, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, तभी मुझे चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये प्राइस जो क्लोज हुआ वो 35 रुपीज़ पे क्लोज हुआ, वो ब्रोकर आके बोल रहा है कि मैं 32 रुपीज़ में आपका सारा सामान अभी, सारा आलू आपका अभी ले लूँगा और आप अभी अपने घर के लिए निकल सकते हो, आपको रात का इंतजार भी यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार नहीं, 32 रुपीज़ तो मैं नहीं दूंगा, 32 रुपीज़ नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? अब ध्यान रखिएगा, चीज़ों को समझिए, हम क्या कर रहे हैं, इस 32 रुपीज़ को कंपेयर कर रहे हैं इस 35 रुपीज़ से। अब क्या हो रहा, ये 35 रुपीज़ से मुझे 32 रुपीज़ कम लग रहा है, तो मेरे मन में लालच है कि यार ये 35 रुपीज़ पे जब क्लोज हुआ तो मैं 32 रुपीज़ में इसे क्यों दूँ। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मैं 32 रुपीज़ में आपको नहीं दूंगा। तो फिर मुझे उसने मुझे एक बात बताई, उसने बोला कि यार आप 35 तो देख रहे हो, ये 35 देख रहे हो, लेकिन आज ये जो दिन के दौरान ना ये 25 रुपीज़ का इसने लो लगाया था, यानी बहुत सारे किसानों ने अपने आलू को 25 रुपीज़ में बेचा है यहाँ पे। तो आप ये 35 मत देखो, ये देखो कि 25 रुपीज़ में बहुत सारे किसानों ने माल यहाँ पे बेचा हुआ है। मैंने बोला है मैं तो 35 के सोच रहा था, ये तो 25 बताने लगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना माल 25 रुपीज़ में बेचा, यानी बहुत सारे किसानों ने 25 रुपीज़ में अपना आलू बेच के गए हैं, भले आपको यहाँ पे 35 दे रहा, मैं तो आपको 32 दिख रहा हूँ। अब देखो ध्यान से देखना चीज़ों को, किस तरह से हम इन्फ्लुएंस हो रहे। अभी जब ये 32 रुपीज़ मुझे दिख रहा था, इस 35 रुपीज़ मुझे दिख रहा था, तो 35 रुपीज़ के जब हम कंपेयर कर रहे थे तो हमारा 32 रुपीज़ कम लग रहा था यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे मैं अभी आपको नहीं दूंगा, ये 3 रुपये ज़्यादा दिख रहा था। तो मैंने उसको बोला कि नहीं यार मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये 35 का क्लोज है। अब उसने मुझे एक प्राइस और दिखा दिया, उसने प्राइस क्या दिखा दिया, 25 का प्राइस मुझे उसे दिखा दिया। अब क्या हो रहा है, पहले जो मेरे अंदर ये लालच था कि मुझे 3 रुपये कम मिल रहा, अब मेरे अंदर ये डर आ गया कि यार मुझे हो सकता है कि यहाँ से मुझे 7 रुपये का और नुकसान उठाना पड़े। तो अब मुझे क्या हो रहा है, ये 25 से अब मैं 32 को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे यही प्राइस अच्छा लग रहा। देखो चीज़ों को ध्यान से देखिए, मार्केट बंद है, मार्केट में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, किस तरह से हमारा डर, हमारा लालच यहाँ पर काम कर रहा, उस तरीके से देखिए। तो हमारे डर ने क्या किया कि हमें, हमारा डर क्या दिखा रहा है कि यार 25 रुपीज़ में अगर कल कहीं मेरा माल भी 25 रुपीज़ में जाने लगा या 25 रुपीज़ जाके यहाँ पे मिला, तब तो मुझे 7 रुपये का नुकसान हो रहा। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा, अब यहाँ पे मुझे डर लग रहा कि मुझे 7 रुपये कम मिलेंगे। अभी तक मुझे यहाँ पे लालच आ रहा था कि मुझे 3 रुपये कम में माल क्यों बेचा, जबकि मुझे 3 रुपये ज़्यादा मिल सकते हैं इतने माल के। अब मेरे अंदर क्या हो गया, ये डर आ गया 25 रुपीज़ का। तो अब मुझे ये 32 का प्राइस अच्छा लग रहा। अब समझो, प्राइस जो हम लोग चार्ट पे प्राइस देखते हैं ना कि कब हमें अच्छा लग रहा है प्राइस, ना वो चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि अभी तक मुझे 32 अच्छा नहीं लग रहा था, अब मुझे 32 अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने नीचे का प्राइस यहाँ पे देखा हुआ है कि बता दिया उसने कि 25 रुपीज़ भी लो जा सकता है। तो मुझे अब यहाँ पे लॉस का डर लग रहा है, पहले सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट दिख रहा था कि 3 रुपये मैं कम में क्यों बेचूँ, तो मुझे प्रॉफिट की आशा थी, अब यहाँ पे मुझे लॉस का भी डर लग रहा। तो अब मुझे ये 32 रुपीज़ का प्राइस अच्छा लग रहा है, ठीक है, हमारी इससे डील होगा कि चलो ठीक है 32 रुपीज़ में मैं तुम्हें अपना माल दे दे रहा हूँ। तब तक क्या हुआ, जैसे हम किसान आए हुए वैसे दूसरे किसान भी वहाँ पे आए हैं, दूसरे लोग भी और बैठे हुए हैं। तो एक किसान फिर से मेरा आया कि मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त आया, जो पुराना दोस्त मेरा मिल गया, और वो मुझे आके यहाँ पे बोल रहा है कि क्या हो रहा, ये माल कितने में दे रहा है। तो मैंने बताया कि भाई 32 में देख रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि 25 रुपीज़ का इसने आज लो मारा। बोला ठीक है, उसने 25 रुपीज़ का तो लो मारा है, ठीक है ना, 25 रुपीज़ का लो तो मारा है, लेकिन जो आज ये ओपन हुआ है ना, जो आज ये ओपन हुआ है वो ओपन हुआ था 40 रुपीज़ में। तो हो सकता है कल ये 45 रुपीज़ ओपन हो। अब मुझे फिर से ये प्राइस अच्छा नहीं लग रहा यार। देखो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट बंद है, कुछ नहीं हो रहा, अब हमारा माइंड किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, वो चीज़ों को समझे। उसी तरह से जब हम लाइव चार्ट में ये चीज़ें देखते हैं ना, तो हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है। तो वो उसके लिए हमारे लिए कैंडल स्टिक जरूरी होती है कि कैंडल स्टिक को हम किस तरीके से समझें। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, कैंडल स्टिक को आप नहीं समझ पाओगे, और ना ही मैं समझा पाऊंगा आप लोग को। तो पहले आपको ये समझना है कि हमारे माइंड पर उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है प्राइस का। तो ये प्राइस का इम्पैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब हमने जो 32 रुपीज़ में हमारी डील डन हो गई थी इस ब्रोकर के साथ में, जिसने मुझे ये बताया था कि यार 25 का इसने
25 का इसने लो लगाया है आज, हो सकता है कल 25 की जगह ये 17 का भी लो लगाए तो आपका और नुकसान होगा। मैं तो आपको 32 दे रहा हूँ, मार्केट बंद है। तो मेरा वो दोस्त आया, वो बोला कि यार भाई ये ओपन कल 40 पे हुआ था, यानी बहुत सारे किसानों ने कल माल 40 रुपये में भी बेचा है, तो यहाँ पे तो तुम्हारा 8 रुपये का नुकसान हो सकता है। हो सकता है कल ये 40 की जगह 42 पे ओपन हो। तो अब उसने देखा यार यार फिर से मेरा 10 रुपये का नुकसान हो रहा। अभी वो इस प्राइस से जब कैलकुलेट कर रहा था, या इस प्राइस से वो कैलकुलेट कर रहा था, 32 रुपीज़ 25 से कैलकुलेट कर रहा था, तो 32 उसे अच्छा लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे उसे होप थी, अब यहाँ पे उसे एक नई होप आ गई कि हो सकता है कि मेरा माल कल 40 की जगह 42 में बिके, तो अब इसे ये प्राइस फिर से अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब इसे ये प्राइस अच्छा नहीं लग रहा, तो उसने दूसरा वाला जो आके बोला कि ठीक है यार 40 रुपीज़ कल ओपन हुआ था, जो उसका फ्रेंड था मेरा, जिसने मेरा लिया है 40 रुपीज़ में, मैं उसको बुलाता हूँ। तो उसने उस ब्रोकर को बुलाया, दूसरे वाले ब्रोकर को बुलाया, उसने बोला यार देखो कल 40 रुपीज़ में तो ओपन हुआ था, लेकिन आज मैं 38 में लूँगा, 38 में देना है, तो ये देखे जाए, मैं यहाँ पर 38 में इसे दे दूँगा, 38 रुपीज़ मैं इसे दूंगा। तो अब इसे क्या हो रहा, पहले ये 25 में तैयार हो गया था देने के, 25 का लो देखा तो ये 32 में तैयार हो गया था, अब ये पहुंच गया 38 के आसपास में। अब इसके क्या होगा, इसके थोड़ी सी और इसको प्राइस मिल गया, यहाँ पे प्राइस इसको बढ़ते हुए मिल गया, तो ये 38 चला गया, 38 इसे चला गया। अब इसने क्या किया, जो 38 रुपीज़ में इसकी डील तय हो रही थी, तब तक एक दूसरा और एक ब्रोकर आ गया, उसने बोला कि क्या भाई कितने में दे रहे, इसने बोला कि 38 में मैं दे रहा हूँ, इसने बोला यार 38 में कल ये 40 पे ओपन हुआ था इसलिए मैं 38 में दे रहा हूँ, उसने बोला कल 40 में ओपन तो ज़रूर हुआ था, लेकिन कल जो इसने हाई मारा था वो 60 का मारा था भाई मेरे, तो आप ये सौदा घाटे में कर रहे हो क्योंकि कल तो उसने 60 का हाई मारा हुआ था। अब ये बंदा फिर से परेशान, या मैं जो मैं लेके गया माल तो मैं फिर से परेशान कि यार 60 में गया था तो मेरा यहाँ पे तो 28 रुपये का नुकसान हो रहा, यानी 28 रुपये का लॉस हो रहा कल कहीं पे। वो बोला कि कल इसने 60 का हाई मारा था, हो सकता है आज ये 70 का भी हाई मारे, क्योंकि आज माल मार्केट में कम आया, तो हो सकता है ये 70 का भी हाई मारे, इसीलिए आपके ये 38 में ले रहा। अब ये बंदा परेशान, या बंदा या मैं बोलो तो परेशान कि यार मैं दूँ किस प्राइस में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक ने आके मुझे बता दिया कि 25 का लो मारा है। अब यहां पे ये क्या हो रहा है, यहां पे हमारी एक कैंडलस्टिक, आज के डे की सारी डे की हमारी एक कैंडलस्टिक बन गई। कैंडलस्टिक में हमें क्या देखने को मिल गया आज का, अब यहां पे चीजों को समझो, हमारा प्राइस हम किस तरह से मार्केट बंद है, लेकिन फिर भी देखो हमें डर भी लग रहा है, लालच भी रह रहा है, दोनों चीजें हमारी लग रही। तो यहां पे इस बंदे ने आके बता दिया कि इसने 60 का हाई लगाया, ठीक है। इसने बता दिया कि यार ये ओपन हुआ था 40 में, ठीक है। इसने बता दिया कि यार ये क्लोज तो 35 में, वहाँ पे हमें प्राइस इंडिकेट कर रहा, और एक बंदे ने बता दिया कि ये 25 का लो मार के गया है। तो ये हमारी सारे दिन की दिनचर्या बन गई कि सारे, ये समझ में आया, हमें समझ में आया कि प्राइस हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा। देखिए मार्केट क्लोज है, सिर्फ हमें कोई आके बता रहा है, फिर भी हम इसमें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारा प्रॉफिट और लॉस हमें दिखने लग रहा है, हमारा डर हमारा वहाँ पे हावी हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने दिखाया था वहाँ पे क्या था, 60 रुपीज़ का उसने हाई लगाया था, ओपन जो हुआ था वो हमारा 40 पे हुआ था, जो क्लोज हुआ था हमारा वो हुआ था 35 पे, और जो हमारा लो लगाया था वो लो लगा था 25 का। यानी दिन के दौरान उसने 25 भी ट्रेड किया है और 60 भी ट्रेड किया है, यानी कुछ लोगों ने 60 पर भी माल बेचा है और कुछ लोगों ने 25 पर भी माल बेचा है। तो यहाँ पे ये सारे दिन का जो एवरेज है वो यहाँ पे समझ में आ गया हमें कि कुछ दौरान भाई 60 में भी बिका है, कुछ माल 40 में ये ओपन हुआ है। अब ये ओपन होने से के बाद ही हाई लगाया है या लो लगाने के बाद हाई लगाया है, ये आपको देखने के लिए ये मान के चलते हैं हम डे कैंडल है, सारे दिन की है। तो इससे आपको कैंडल को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, यानी 5 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की जब कैंडल देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये इतने हाई किस टाइम पर लगाया था। देखो दिन के दौरान कभी ये 60 का हाई तो लगाया था, लेकिन ये आपको नहीं पता है कि ये सुबह 9:40 पर लगाया है हाई, या फिर ये शाम के 9:30 पर इसने हाई लगाया, ये आपको नहीं पता। ये पता तब लगेगा जब हम कैंडल को छोटा करेंगे। तो ये हमारी रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल क्यों बन गई, क्योंकि हमने प्राइस ऊपर ओपन हुआ है, ये हमारा हाई है, ये हमारा ओपन है, ये हमारा क्लोज है, और ये हमारा लो है। ये जो है बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी। ये बीच वाला पार्ट जो हमारा है वो बॉडी है, और ये जो यहाँ पे नीचे का पार्ट दिख रहे हैं ये वीक है, ठीक है, शैडो बोलते हैं कुछ लोग, वीक बोलते हैं। तो ये हमारा वीक या शैडो है, और जो ये बॉडी फुल दिख रही है ये हमारी बॉडी है, जहाँ पे ये ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, ये क्या हुआ है, ये हमारा रेड बन गया है। क्योंकि हम रेड इसलिए बना है क्योंकि हम ओपन 40 पे हुए थे और क्लोज 35 पे हुए थे। यहीं पे अगर मान लीजिए अगर हम ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि हमने ओपनिंग कहीं पर नीचे की है,
ठीक है, हमने मान लीजिए ओपनिंग यहाँ पे की है 35 पे, ये ओपन हो गया है, ये हमारा 60 हाई है, ठीक है, ये हमारा क्लोज है, ये हमारा क्लोज है 40, 40 हमारा क्या है, क्लोज है, ये हाई है और ये लो है, ठीक है, लो हमारा 25 है, सेम प्राइस हमने रखा हुआ है 25 पे, यहाँ पे लो है, यहाँ भी 25 का हमने लो बना दिया। अब इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो क्लोजिंग यहाँ पे 35 की हुई थी, यहाँ पे क्लोजिंग 40 की हुई है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बन गई है, ठीक है, ग्रीन बन गई है, मतलब ये जहां से ओपन हुआ था वहां से बायर यहाँ पे एक्टिव हुए, बायर इसको ऊपर लेके गए और बायर ने ओपनिंग प्राइस से ऊपर ही ले जाके इसको क्लोज किया है, मतलब यहाँ पे सौदा जो हुआ है बुल साइड में हुआ है, यानी यहाँ पे माल ज्यादा जो हुआ है वो खरीदा गया है, ऊपर की प्राइस पे माल यहाँ पे लोग खरीदते गए, लोगों को ये लग रहा है कि शायद प्राइस अगले दिन इसका ऊपर जाएगा, इसलिए लोगों ने यहाँ पे खरीदारी की है। यहाँ पे लोगों ने इस कैंडल में क्या किया, लोगों ने बेचा है, लोगों को लग रहा है कि शायद जो प्राइस 40 रुपये दिख रहा है या 50 रुपये दिख रहा है, ये शायद कल दिखे ना, तो ये यहां पे लोग बेच करके चले गए और ये क्लोजिंग यहां पे कहां पे हुई है, क्लोजिंग हुई है 35 की और यहां पे क्लोजिंग हुई है 40 की। तो ये कैंडल ये बता रही है कि यहां पे बायर का कंट्रोल है, ये कैंडल हमें ये बता रही है कि यहां पे सेलर का कंट्रोल है, यहां पे कंट्रोल किसका है, यहां पे कंट्रोल जो है बायर का है, यानी बायर इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, यानी बायर इसको ऊपर लेके गए, यहां पे कंट्रोल किसका है, यहां पे कंट्रोल जो है वो सेलर का है, सेलर यहां पे चाह रहे हैं कि माल नीचे की साइड में ही यहां रहे, मार्केट ये नीचे की साइड में रहे या फिर जो इसका प्राइस रहे वो नीचे की साइड में ही रहे, प्राइस इसका ऊपर ना जाए, तो ये सेलर की कंट्रोल में है, यानी यहां पे मार्केट को डोमिनेट किसने किया है, सेलर ने डोमिनेट किया है, और यहां पे जो मार्केट ये सेलर का है और यहां पे जो मार्केट को डोमिनेट किया है वो बायर ने कंट्रोल किया है, यानी पूरे मार्केट को शाम को जाते जाते बायर को अपने कंट्रोल में लेके गए हैं कि शायद होप ये है कि अगले दिन ये अच्छा करेगा, यहाँ पे होप ये है कि अगले दिन ये और ख़राब करेगा, इसलिए जिसके पास जो भी माल था वो माल बेच के लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि शायद मार्केट और ऊपर की साइड में जाएगा। तो ये हमारी हो गई कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक का बिहेवियर और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी कि किस तरह से हमें प्राइस इन्फ्लुएंस करता है, ये मैंने इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग, ये दो कैंडल का पैटर्न है, यानी दो कैंडल मिलकर बनाती है बेरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बेरिश इनगल्फिंग के रूल्स, मेरे क्या क्या रूल्स है, क्या मैंने मॉडिफाई किया है पिछली जो बेरिश इनगल्फिंग में ट्रेड करता था और अब ट्रेड करता हूँ, इसे बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है, स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसके साथ में एग्जांपल भी बताऊंगा। और जो हमारा जो लर्निंग ऐप आ रहा ना, वहां पे लर्निंग ऐप में आपको होमवर्क का भी एक ऑप्शन मैंने डाल के रखा हुआ है, तो जल्दी जैसे ही लर्निंग ऐप लॉन्च होगा वहां पे होमवर्क का भी एक ऑप्शन मैंने डाल के रखा है। तो जो हमारे मेंबर हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग का आपको पिक मुझे भेजना है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बेरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग की, तो वहां पे आपको कंडीशन में क्या क्या कंडीशन फॉलो करता हूं, क्या रूल्स है, किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, वो सारे रूल्स जब बताऊंगा तो उस रूल्स के साथ में आपको होमवर्क लेना है, होमवर्क करना है, और होमवर्क मतलब वो बेरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग की पिक खींचना है और पिक लेकर के उसे हमारे जो ऐप है उसमें अपलोड करना है। जल्दी ऐप मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक लॉन्च हो जाएगा, तो वहां पे आप अपने होमवर्क को भी अपलोड कर सकते हो और वहां पे मैं आप लोग के होमवर्क को देख के शायद उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा, किसका होमवर्क ज़्यादा अच्छा था, किसने थोड़ी सी कमी रह गई है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके होमवर्क के थ्रू आप लोग को फिर से वीडियो बना के बताऊँगा, दिखाऊँगा, समझाऊँगा, जिससे आप लोग को चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आए कि आप गलतियां क्या क्या कर रहे हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जिंगा लाला करके कमेंट कीजिए, जिससे मुझे थोड़ी सी आपको प्रोत्साहन मुझे मिलेगा, तो मैं आप लोग के लिए और जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। और जल्दी जल्दी कैंडल स्टिक की वीडियो के बाद हमारे पास प्राइस एक्शन पैटर्न की भी वीडियो बनानी है, तो फटाफट वीडियो बना के आप लोग के लिए पोस्ट करूंगा, तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।